जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से खून दिया था। आज भी उन सैकड़ों लोगों को याद कर सिरदर्द दौड़ जाती है जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहाँ आखिरी सांस ली थी। जहां एक और बेगुनाहों का संहार, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला और लाहौर में अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय हैं। वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया। क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी आने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करता रहेगा। तो दगड़ियों, ये है अमर ज्योति जो दिन हो या रात जलती रहती है। ये इंडियन ऑयल की तरफ से यहाँ पे अमर ज्योति जलती रहती है दिन रात सुबह शाम नॉन स्टॉप। इंडियन ऑयल लिखा भी है नीचे। ये है जलियांवाला बाग अमृतसर, इसके ठीक बगल में गोल्डन टेंपल भी है जहाँ भी हम गए थे अभी, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन यहाँ आके बहुत वो दिन याद आते हैं जब यहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा तो क्या दिन रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा वो। आइए आपको दिखाते हैं गोल्डन टेंपल। ये थी गोल्डन टेंपल की एंट्रेंस जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम गए थे अमृतसर और यहाँ मिल रहा था दूध इतने ठंड में, लगी थी बहुत ज़्यादा लाइन पर हमारी बारी में तो दूध ख़त्म हो गया था तो हम दूध का मज़े नहीं ले पाए। फिर हमने पैसे दे के दूध पिए। बड़ा मज़ा आया था भाई यहाँ आके, शांति सुकून सेवा। आइए आपको दिखाते हैं आगे गोल्डन टेंपल कैसा है क्या है। अमृतसर आएँ, जलियांवाला बाग और गोल्डन टेंपल ज़रूर आएँ, क्योंकि जलियांवाले बाग के ठीक बगल में ही गोल्डन टेंपल है और यहाँ से बाघा बॉर्डर के लिए आपको गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे पास टाइम नहीं था। हम वहाँ जा नहीं पाए, अगली बार जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। तब के लिए बने रहे हमारे साथ प्रकट फ्लेवर्स में और देखिए गोल्डन टेंपल।
चलिए अभी अंदर चलिए। जाने लग नहीं है, जाने का मतलब कि पूरा 8 बज जाएगा हम लोग को। देखा गुरुद्वारा महल बनी है। देखा तो दगड़ियों, ये है गोल्डन टेंपल। अब हम यहाँ पे करते हैं वीडियो समाप्त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने उत्तराखंड फ्लेवर चैनल को। आगे भी मिलते रहेंगे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। दगड़ियों, नीचे आपका आ रहा होगा बेल आइकन, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।